नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कहीं देश में विरोध हो रहा है तो कहीं इसके समर्थन में रैलियां निकाली जा रही हैं। आज मध्य प्रदेश के धार में भी भाजपा द्वारा सीएए के समर्थन में हजारों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं तथा कई संगठनों द्वारा एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें महिलाएं भी अधिक संख्या में देखी गई। तो वहीं इस रैली को देखने पहुंचे कुछ लोगों की मोटरसाइकिलें भी चोरियां हो गई। इस घटना से वे बेचारे परेशान हो गए। आपको बता दें कि देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो चुका है, जिसको लेकर देश में घमासान मचा हुआ है। कहीं इस कानून को लेकर देश में विरोध देखने को मिल रहा है तो कहीं भाजपा तथा कई संगठनों द्वारा इसका समर्थन किया जा रहा है और रैली निकालकर सीएए को सपोर्ट कर मोदी की ताकत को दुगना किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तथा अन्य संगठनों ने हजारों की संख्या में धार के उदय रंजन क्लब में हाथों में तिरंगा लिए एकत्रित हुए और यहां से पैदल रैली निकालकर भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए मोदी चौक तक पहुंचे। रैली में तिरंगा के साथ साथ भगवा रंग के झंडे भी लहराते हुए देखे। लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। रैली में धार महू सांसद छतर सिंह दरबार, भाजपा के वरिष्ठ नेता विक्रम वर्मा, पूर्व सांसद सावित्री ठाकुर, धार विधायक नीना वर्मा तथा भाजपा के कई दिग्गजों इस रैली में शामिल हुए। हमारे संवाददाता अमर वर्मा ने सीएए को लेकर सांसद छतर सिंह दरबार से बातचीत की। क्या कुछ कहा सांसद ने, आइए आपको सुनवाते हैं। जो देश के विभिन्न अंचलों में इस कानून के संबंध में गलत भ्रांतियां फैलाकर भारत के 12 नगरों के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, ईसाई समाज से डॉक्टर राजेश माइकल, ईसाई समाज से डॉक्टर राजेश माइकल, डॉक्टर चौधरी जी, जानी बेरा जी भी अगर आगे मैं मंच पे विराजित तमाम यहाँ पर हमारे प्रमुख वक्ता लोग यहाँ पर विराजमान है, साधु संत लोग यहाँ पर विराजमान है और गांव गांव से जो लोग यहाँ पर चल करके आए हैं, मैं आपसे करवट निवेदन करना चाहता हूँ, खुद देने के लिए जो आवाज है हमारा, कभी घर से बाहर नहीं निकल रहे, तिरंगे घर से बाहर का सबूत है। इतनी जल्दी अपने को हो नहीं निकल पाएगा, सुनो शांति से सुनो, क्या है इसमें, क्या कहेंगे सीसीए के समर्थन में? अरे सीएए तो लोकसभा और राज्यसभा में भारी बहुमत से पास हुआ है। हम लोगों ने अमित शाह जी और मोदी जी के नेतृत्व में इस बिल पे खुली बहस हुई है, विपक्ष का मुंह तोड़ जवाब दिया है इस बिल के, उसमें जो जो विपक्ष ने प्रश्न किया है अमित शाह जी ने और हम लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और सब ने समर्थन किया है। लोकसभा में और राज्यसभा में भारी बहुमत से यह बिल पास हुआ है। ये किसी वर्ग विरोधी नहीं है, ये भारत के जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जो इस्लामिक कंट्री से जिन लोगों को खदेड़ दिया गया है। सांसद महोदय, जो ये रैलियां कर रहे हैं आप इसकी बजाय जैसे थोड़ा सा आप ये भी कर सकते हो कि जनता को आप समझा सकते हो इसके बारे में, क्योंकि जनता भ्रमित हो रही है। नहीं, जनता कोई भ्रमित नहीं हो रही है। ये जो विपक्ष के लोग और जो राष्ट्र विरोधी लोग और जो राष्ट्र में गलत गतिविधियों को चलाने वाले लोग जो भ्रम फैला रहे हैं इस आधार से, इन तरीकों से और डिबेट से और सारे बुद्धिजीवियों से कोशिश करके उसको हम भ्रम को दूर कर रहे हैं। ये किसी के विरोध में नहीं है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो। ये तो जिन लोगों को इस्लामिक देशों से खदेड़ दिया गया है, उनको मार कूट के भगा दिया गया है, उनको सदस्यता देने का भारत का परम कर्तव्य होता है। इसमें किसी की सदस्यता समाप्त नहीं की जाएगी। अब चिन्हित होगा
कि कौन वास्तव में खदेड़ा गया है, कौन शरणार्थी है, उन्हें को सदस्यता दी जाएगी भारत की नागरिकता। और जो घुसपैठिए हैं, जो अवैध तरीके से भारत में आए हैं, जो किसी भी मकसद से चाहे भारत को कमजोर करने के लिए या भारत में किसी भी अन्य इस्लामिक कंट्री गतिविधि चलाने के, वो अब चिन्हित होंगे। अब उनके ये सामर्थ आई है, वास्तव में जो लोग जिनको शरण दिए भारत में उनको नागरिकता दी जाएगी, ये भ्रम फैला रहे हैं कि वो इससे किसी का कोई नुकसान नहीं है। इसमें हम तो इस बहस पे साथ में से पार्लियामेंट में हमसे हमारे सामने बिल पे डिबेट हुई और उसमें अच्छे बहुमत से बिल पास हुआ। आपका नाम बता। मेरा नाम छतर सिंह दरबार है, मैं लोकसभा सदस्य हूँ, तीसरी बार चुन के मैं धार का सांसद बना हूँ। क्या हुआ आपके साथ, रैली में आए थे? रैली में नहीं आया, देखने आया था मैं तो, बस सामने खड़ा था। रैली देखने आया? रैली देखने आया। क्या हुआ आपके साथ? गाड़ी चोरी हो गई। गाड़ी चोरी हो गई? कौन सी गाड़ी थी? होंडा साई। होंडा साई? हाँ। नई थी पुरानी? नई, क्या तीन चार साल पुरानी। आपने रिपोर्ट लिखाई? लिखा दी थी। कौन सी पटवाली में थी? नवाब थाने में। नवाब थाने में? ठीक, नाम बताओ। देवेंद्र। क्या नाम है सर? सरदार सिंह चौहान। कहाँ से आए थे आप? दीनदयालपुरा में आए थे। रैली में आए थे? हाँ, रैली में। बंगला पे ड्यूटी करता हूँ। बंगला पे ड्यूटी करता हूँ। माली है। अच्छा, तो हसनपुर है। गाड़ी का 1784। क्या गाड़ी चोरी हो गई? कौन सी गाड़ी थी आपकी? हसनपुर। अच्छा, तो इसकी आपने रिपोर्ट लिखाई? अभी नहीं लिखी। कहाँ रख के गए थे आप? यहीं रखे गए, यहीं पर PWD के ये सब। हाँ, ग्राउंड। आपका नाम? सरदार सिंह चौहान। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।